व्लॉग सिनिक को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। अल्लू अर्जुन अपने स्टाइल पे बहुत ध्यान देते हैं और अपनी हर फिल्म में वो नए लुक में नजर आते हैं। रियल लाइफ में भी स्टाइलिश रहना पसंद है, जो उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस से साफ पता चलता है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आप सबसे अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। और आज हम लोग स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन पे रिएक्शन देंगे। और एक भाई मेरे पीछे पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, यार 33 फैक्ट्स अबाउट अल्लू अर्जुन के आप देखें, तो मैंने कहा ज़रूर इसको हम देखेंगे। उनको मैंने कहा था यार आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट होती हैं। तो खैर आज आपकी बारी आ गई है, सबकी बारी आती है। और इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, तो आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा नया व्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। सो इसको देख लेते हैं, देखने के बाद हम बातचीत करेंगे कि फैक्ट्स जो अल्लू अर्जुन के बारे में उनको जानेंगे और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सोशल। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने सिनेमा के लिए जानी जाती है। इस इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि उनकी हर फिल्म एक कंप्लीट एंटरटेनर होती है और सभी एज ग्रुप्स की ऑडियंस को बहुत पसंद भी आती है। अर्जुन की फिल्म को कई लैंग्वेजेस में डब किया जाता है और हिंदी मूवी चैनल्स पर तो हर रोज उनकी फिल्म सिखाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको अल्लू अर्जुन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। साथ ही साथ इस वीडियो में अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को लेकर कोई मिस्टेक हो जाए तो अपोलॉजीज इन एडवांस, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ वर्ड्स को समझना मुश्किल रहा है। पर हमेशा की तरह हमने बहुत ध्यान से इस वीडियो के लिए रिसर्च की है, सो वी होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए। नंबर वन, अल्लू अर्जुन मद्रास में बॉर्न हुए थे और उनके फादर अल्लू अरविंद काफी फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने गजनी, जलसा, फादर प्रोड्यूसर, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स प्रोड्यूस किए। मगधीरा और गजनी प्रोड्यूस किए। हैं उनके दो ब्रदर्स हैं, जिनमें से एक एक्टर है और दूसरे एक बिजनेसमैन है। शक्लें मिलती हैं। नंबर टू, अल्लू अर्जुन की फैमिली बैकग्राउंड से उनके फैंस अच्छे से वाकिफ होंगे, जहां उनके ग्रैंडफादर भी एक तेलुगु एक्टर थे जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा तेलुगु फिल्म्स में काम किया था। उनके ब्रदर अल्लू शिरीश भी एक एक्टर है और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में मेगा स्टार है, जो तेलुगु इंडस्ट्री के रिनाउंड एक्टर्स हैं। अर्जुन की फैमिली फिल्म पर्सनालिटी से भरी हुई है, जहां उनके 12 फैमिली मेंबर्स इंडस्ट्री का पार्ट हैं। नंबर थ्री, अल्लू अर्जुन की शादी स्नेहा रेड्डी से 2011 में मैरिड है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के तौर पर मिले थे और वहीं से उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा। स्नेहा एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं और जब उन्होंने अपनी फैमिली को अल्लू अर्जुन के बारे में बताया तो उनकी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो किसी एक्टर से शादी करें। ओवर द टाइम स्नेहा के पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि अल्लू अर्जुन एक स्टार होने के बाद भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं और अपनी फैमिली को ही अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। इस क्वालिटी को देखते हुए स्नेहा की फैमिली ने दोनों की शादी के लिए अग्री कर दिया और आज उनकी शादी को ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, जहाँ वो खुद दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं। नंबर फोर, इनिशियली अल्लू अर्जुन एक एनिमेटर बनना चाहते थे पर जल्दी उनका एनिमेशन में इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट लेने लगे। उनका कहना है कि फिल्म फैमिली में बॉर्न होने की वजह से वो हमेशा उसी एनवायरनमेंट में रहे हैं और अगर वो किसी और फील्ड में अपना करियर बना लेते तो भी शायद वो बाद में फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म से जुड़े बिजनेसेस में नजर आ ही जाते। फैमिली अर्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो छोटे होते थे तब भी उनके फादर उन्हें हर चीज में सपोर्ट किया करते थे और कभी भी उन्होंने अर्जुन को फिल्म्स में आने के लिए फोर्स नहीं किया। जब अर्जुन एनिमेटर बनना चाहते थे तब भी उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट किया था और उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया था, इसलिए हमेशा से ही अर्जुन अपने फादर से क्लोज रहे हैं और आज भी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अपने फादर के साथ ही लेते हैं। नंबर 6, अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग इतनी है कि 2016 में अर्जुन टॉलीवुड के मोस्ट सर्च्ड एक्टर रहे थे। आज भी उनकी पॉपुलैरिटी हर फिल्म से बढ़ती ही जा रही है, जहां गूगल सर्च में उनका नाम टॉप सर्च सेलिब्रिटीज में होता है। इसके अलावा 2019 में तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा सर्च्ड एक्टर विजय देवरकोंडा रहे थे। नंबर 7, अल्लू अर्जुन को बचपन से ही डांसिंग का शौक था और आज उनकी डांसिंग पूरे इंडिया में फेमस है। वो अपनी इंस्पिरेशन चिरंजीवी और लेजेंडरी सिंगर माइकल जैक्सन को मानते हैं और उन्हें बचपन से ही आइडियलाइज करते आ रहे हैं। इनके अलावा बॉलीवुड से गोविंदा उनके फेवरेट डांसर्स में से एक है और उनका कहना है कि गोविंदा जैसे एक्सप्रेशंस आज भी कोई एक्टर डांस करते हुए बिल्कुल। नंबर 8, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स की बात करें तो अल्लू अर्जुन को हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे काफी पसंद है और जुजीता हुई सिकंदर को वो इससे भी ज्यादा बार देख चुके हैं। नंबर 9, अल्लू अर्जुन की पहली स्क्रीन अपीयरेंस 3 साल की उम्र में हुई थी जब उन्हें एक्टर चिरंजीवी के साथ जुजीता में देखा गया था। 15 साल बाद अर्जुन को फिल्म डैडी के एक सीन में एज अ डांसर देखा गया, जहां उन्होंने अपने डांस मूव से सबको इंप्रेस कर दिया था। नंबर 10,
2003 में अलू अर्जुन ने अपना डेब्यू फिल्म कबूतरी से किया, जहां उन्हें एक विलेज बॉय के कैरेक्टर में देखा गया, जो उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो हमेशा से मॉडर्न सिटी बॉय रहे हैं। 2002 की शुरुआत में अर्जुन पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाले थे और तभी उन्हें गंगोत्री फिल्म की ऑफर आई। इस फिल्म की डायरेक्टर की ये 100 फिल्म होने वाली थी, जो अर्जुन के लिए बहुत ऑनर की बात थी। इसी वजह से उन्होंने गंगोत्री फिल्म को साइन किया और ऑडियंस को ये फिल्म मतलब नंबर 11। 2004 में आई फिल्म आर्या को अर्जुन के करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म माना जाता है, जिसके बाद से ही अर्जुन एक सेलिब्रेटेड एक्टर बन गए थे। आर्या इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी कि टीवी पे आने के बाद भी ये फिल्म थिएटर में चलती रही, जहां फिल्म को 400 डेज तक स्क्रीन किया गया था। फिल्म का बजट सिर्फ 4 करोड़ का था और फिल्म ने 30 करोड़ से ज्यादा 2004 में जो उस टाइम के लिए बड़ी कलेक्शन मानी जाती थी। नंबर 12, फिल्म आर्या के डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन के लिए ये काफी बड़ी फिल्म थी क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। पर हैरानी की बात ये है कि फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। मेकर्स रवि तेजा या प्रभास में से किसी एक को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, पर दोनों ने ही फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद अल्लू अर्जुन को ये फिल्म ऑफर की गई और उन्हें अपना रोल भी पसंद आया। अर्जुन को इस फिल्म में ऑडियंस ने खूब पसंद भी किया और आगे जाकर आर्या का सीक्वल भी बनाया गया, जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहा। नंबर 13, अल्लू अर्जुन अपने स्टाइल पे बहुत ध्यान देते हैं और अपनी हर फिल्म में वो नए लुक में नजर आते हैं। अर्जुन को रियल लाइफ में भी स्टाइलिश रहना पसंद है, जो उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस से साफ पता चलता है। इसके अलावा अर्जुन को विजय देवरकोंडा का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा लगता है और रणवीर सिंह का ड्रेसिंग सेंस उन्हें सबसे हटके लगता है। एक इंटरव्यू में भी अर्जुन ने कहा था कि जिस तरह के कॉन्फिडेंस से रणवीर अपने आप को स्टाइल करते हैं, वो शायद कोई और कर ही नहीं सकता। नंबर 14, हर एक सेलिब्रिटी के करोड़ों फैंस होते हैं और कितनी ही बार सेलिब्रिटी को अपने फैंस की एग्जिस्टेंस का आइडिया भी नहीं होता। अल्लू अर्जुन अपने फैंस से पर्सनली भी कनेक्टेड रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल उनके फैन नूर मोहम्मद की कहानी से दिया जा सकता है। नूर मोहम्मद कई जनरेशन से अल्लू अर्जुन की फैमिली के फॉलोअर रहे हैं और हमेशा वो अल्लू अर्जुन की हर प्रमोशन पर भी नजर आते थे। 2019 में जब नूर मोहम्मद चल बसे, तो उस डिफिकल्ट टाइम में अल्लू अर्जुन नूर मोहम्मद की फैमिली से मिलने गए और उन्होंने उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की थी। अर्जुन इस बात से इतना इफेक्ट हुए थे कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी पोस्टपोन कर दिया था। अल्लू अर्जुन का मानना है कि उनके लिए उनके फैंस फैमिली के बराबर हैं और जब भी उन्हें किसी फैन की हेल्प करनी होती है, तो वो पर्सनल लेवल पर जाकर उस फैन की मदद करते हैं। नंबर 15, 2008 में आई परिगो में अल्लू अर्जुन को एक मिडिल क्लास कैरेक्टर में देखा गया, जिसके लिए उन्होंने अपना वेट भी लूज किया और एक शॉर्ट हेयर कट भी मेंटेन किया, जो उनकी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग था। फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, पर फिल्म कमर्शियली हिट थी और इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। नंबर 16, अर्जुन के साइड बिजनेस की बात करें तो वो एक नाइट क्लब ओनर हैं। अच्छा। और इसके अलावा उन्होंने कार रेस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को लग्जरी कार्स प्रोवाइड करती है। नंबर 17, आजकल नेपोटिज्म की डिबेट हर जगह चलती नजर आती है और जब अल्लू अर्जुन से उनके ओपिनियन के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि फिल्म बैकग्राउंड से होने की वजह से मुझे इस इंडस्ट्री में एंट्री इजीली मिल गई थी, पर 20 सालों तक सर्वाइव करना मेरी खुद की मेहनत थी। अर्जुन की फिल्म ज्यादातर सक्सेसफुल ही रही है और ये दिखाता है कि ऑडियंस उन्हें कितना पसंद करती है। अर्जुन स्टार फैमिली से होते हुए भी आउटसाइडर एक्टर्स की इंपॉर्टेंस जानते हैं और कभी भी उन्होंने अपने आप को किसी से सुपीरियर नहीं माना। अल्लू अर्जुन नेपोटिज्म को फिल्म कल्चर का एक पार्ट मानते हैं, क्योंकि ऑडियंस ने हमेशा अपने फेवरेट एक्टर्स की फैमिली में इंटरेस्ट रखा है और अगर किसी भी स्टार फैमिली से कोई नया एक्टर आता है, तो वो उसे ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लग जाते हैं। नंबर 18, अल्लू अर्जुन का नया डांस देखने को मिलता है और फैंस भी उनके डांस को देखना बहुत पसंद करते हैं। अर्जुन के डांस स्टेप्स को देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग ली होगी, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। अर्जुन ने डांस करना खुद से सीखा है, जहाँ फिल्मी गानों से इंस्पिरेशन उन्होंने बचपन से ही डांस करना शुरू कर दिया था। नंबर 19, बॉलीवुड में ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ बड़े एक्टर्स की फिल्म सेम डेट पर रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस में फिल्म की सक्सेस को लेकर एक हाइप बनी रहती है। ऐसा ही साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी कई बार होता है, जहां अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की कई फिल्म सेम डेट पर रिलीज की जाती हैं, जिससे फैंस में एक कॉम्पिटिशन सा लगा रहता है। अल्लू अर्जुन का मानना है कि ऐसे क्लैश बहुत सालों से होते आए हैं और लोगों को दूसरे एक्टर को डिमीन करने की जगह दोनों एक्टर्स की फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। 2020 की संक्रांति पर अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की फिल्म एक साथ रिलीज हुई और दोनों ही फिल्म्स ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। नंबर 20, जैसा आप सबने देखा होगा कि कबीर सिंह के रिलीज होने के बाद कई सेलेब्स ने फिल्म को सपोर्ट किया, तो कई सेलेब्स ने फिल्म को बुरी तरह से क्रिटिसाइज भी किया। ऐसा ही साउथ इंडस्ट्री में अर्जुन रेड्डी की रिलीज के वक्त भी हुआ था और सभी एक्टर्स से उनके ओपिनियन पूछे गए थे। अल्लू अर्जुन से जब इस फिल्म के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर सकता। मैं विजय देवरकोंडा की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता हूं, पर पर्सनली शायद अर्जुन रेड्डी जैसे कैरेक्टर से मैं रिलेट ही नहीं कर पाता। आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या अर्जुन पॉजिटिव सोच सूट करता या नहीं।
नंबर 21 अल्लू अर्जुन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि उनकी हर फिल्म को हिंदी में डब किया जाता है और इजीली उनकी फिल्म्स में 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। अर्जुन की पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्हें बॉलीवुड में भी फिल्म्स ऑफर की जाती हैं पर आज तक उन्हें किसी फिल्म की स्टोरी पसंद ही नहीं आई। अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो बॉलीवुड में फिल्म करने को तैयार है जिसके लिए वो हिंदी भी सीख लेंगे बट फॉर सम रीज़न उन्हें अभी तक उनके लेवल की कोई फिल्म ऑफर ही नहीं की गई। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या बॉलीवुड में आप अर्जुन को देखना पसंद करेंगे। नंबर 22 आप सभी ने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज के पर्सनल बिलीव्स होते हैं, ऐसा ही कुछ अल्लू अर्जुन की लाइफ में भी है जहां उन्हें नंबर 666 बहुत पसंद है। उनकी फोन से लेके उनकी कार्स तक हमेशा 666 लकी नंबर ना समझते होंगे। लोग कहते हैं कि 666 को डेविल का नंबर माना जाता है और इसे अनलकी कंसिडर किया जाता है पर अर्जुन को इन सभी बिलीव से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सम कंसिडर दिस नंबर एज सैटर्न, आई कंसिडर इट एज स्टाइल। नंबर 23 आप सभी ने देखा होगा कि शाहरुख खान को हर एक इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट दी जाती है और हमेशा यंग एक्टर्स उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। अल्लू अर्जुन भी शाहरुख के फैन है पर इतने सालों में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आया है जहां दोनों एक दूसरे से मिल पाए। शाहरुख को ये बात जब एक इंटरव्यू में बताई गई तो उन्होंने अर्जुन के लिए एक प्यारा सा मैसेज दिया था। अल्लू आई लव यू एंड आई एम गोना कम डाउन 100% वन डे एंड स्पेंड टाइम विद यू। ही इज टू स्वीट, ही इज टू वंडरफुल एंड ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। And to all the Allu Arjun fans and to Allu Arjun himself, yeah. Love you and miss you and I'll come and see. Number 24. 2007 में आई फिल्म देसमुंद्रू में अल्लू अर्जुन को एक अलग लुक में देखा गया जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अर्जुन ने बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने 4 महीनों तक अपनी फिजिक पर काम किया था और उन्हें कई इंटेंस एक्शन सीन्स भी शूट करने पड़े थे। अर्जुन को इससे पहले एक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर उस वक्त इंडस्ट्री में एक्शन फिल्म का ही ट्रेंड चल रहा था और अर्जुन को भी एज एन एक्शन हीरो ही प्रमोट किया जाने लगा। नंबर 25 फिल्म वेदाम के लिए अर्जुन ने कोई एक्टिंग फी चार्ज नहीं की थी। इस फिल्म में वो अनुष्का शेट्टी और मनोज बाजपेयी के साथ नजर आते हैं और इस फिल्म को आप यूट्यूब पर हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 26 अल्लू अर्जुन को सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म बहुत पसंद आई थी और जिसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई कि अर्जुन इस फिल्म का तेलुगु में रीमेक बनाने वाले हैं। फिल्म में कायरा अडवाणी को कास्ट करने के रूमर्स भी आए पर बाद में इसका आइडिया ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि अर्जुन को अल्ला वेंकटू परामल्लू ऑफर की गई जिसकी कहानी नंबर 27 अल्लू अर्जुन ने आई एम दैट चेंज नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस की थी जो दिखाती है कि कैसे सिटीजंस अपने छोटे छोटे एक्शन से देश को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने भी एक्ट किया है और फिल्म के आइडिया को देखते हुए उन्होंने और फिल्म की दूसरी कास्ट ने एक्टिंग के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की थी। नंबर 28 अल्लू अर्जुन की ज्यादातर फिल्म सक्सेसफुल रही है पर उनके करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी 2020 में आई अल्लू वेकुंठ परुमन्नु। 270 करोड़ का बिजनेस किया था और बाहुबली के बाद ये तेलुगु इंडस्ट्री की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। बाहुबली को कई लैंग्वेजेस में डब किया गया था जहां फिल्म के हिंदी वर्जन ने 500 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। अल्लू वेकुंठ परुमल्लू को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया पर फिर भी फिल्म ने रीजनली ही 270 करोड़ का बिजनेस किया था जो आपको अल्लू अर्जुन की फिल्म्स का क्रेज साफ दिखाता है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। गाने देखें। नंबर 29 ये तो हम सभी जानते हैं कि फेमस सेलिब्रिटीज के फैन क्लब्स इजीली बन जाते हैं और ऐसे ही अल्लू अर्जुन के भी कई सारे फैन क्लब्स हैं और उनके फैंस को अल्लू अर्जुन आर्मी के नाम से जाना जाता है। अर्जुन के फैंस यूजुअली दूसरे एक्टर्स के फैन क्लब से कम्पीट करते हैं जिस पर अर्जुन का कहना है कि कोई भी बैटल एक हेल्दी नोट पर ही लड़ना चाहिए और सभी फैंस को दूसरे एक्टर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अर्जुन का मानना है कि इंटरनेट का मिसयूज करके फैंस दूसरे एक्टर्स को अब्यूज करने लग जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि फैंस अगर किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं तो एक डिग्निफाइड तरीके से करें वरना वो मेरे रियल फैंस नहीं हैं। आपका सोशल मीडिया पे फैंस को लेकर के क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक कि आजकल कुछ सेगमेंट ऑफ फैंस बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं? नंबर 30 साउथ इंडियन इंडस्ट्री में फैंस हमेशा सेलिब्रिटीज को एक निकनेम से बुलाते हैं। जैसे रजनीकांत को उनके फैंस थलाइवा नाम से बुलाते हैं, प्रभास को डार्लिंग नाम से, वैसे ही अर्जुन के फैंस उनको बनी नाम से अच्छा, बुलाते बनी। हैं। अर्जुन का ये घर का निकनेम भी है और 2005 में बनी नाम की फिल्म भी रिलीज की गई थी जिसमें अर्जुन ने लीड रोल प्ले किया था। बनी सच अ क्यूट निकनेम। नंबर 31 2011 में आई फिल्म बद्रीनाथ में ऑडियंस ने अल्लू अर्जुन को पहली बार एक वॉरियर के रोल में देखा था जिसके लिए अर्जुन ने वियतनाम में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली थी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने काफी इंटेंस एक्शन सीन्स भी शूट किए थे जिनको देखते हुए सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर एडल्ट रेटिंग का सर्टिफिकेट दे दिया था। नंबर 32 अल्लू अर्जुन की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो डायरेक्टर सुकुमार की फिल्म पुष्पा में नजर आएंगे। सुकुमार और अल्लू अर्जुन का रिलेशन बिल्कुल दोस्तों जैसा है और उनकी पिछली कोलैबोरेशन फिल्म आर्या भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिल्म पुष्पा की प्रोडक्शन इस साल शुरू होने वाली थी पर लॉकडाउन के चलते फिल्म की शूटिंग मार्च में फिल्म की शूटिंग के लिए सेट्स भी डिजाइन किए जा चुके थे जिनपे 3 करोड़ का खर्चा किया गया पर लॉकडाउन की वजह से इन सभी सेट्स को तोड़ना पड़ा और फिल्म की प्रोडक्शन को काफी लॉस हुआ।
नंबर 33 फिल्म पुष्पा के लीड रोल के लिए पहले एक्टर महेश बाबू को अप्रोच किया गया था पर डायरेक्टर के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये रोल अल्लू अर्जुन को ऑफर किया गया तो उन्हें ये रोल बहुत पसंद आया। इस फिल्म में अर्जुन एक नए अवतार में नजर आएंगे जहां उनके लुक को लेकर ऑलरेडी काफी हाइप बनी हुई है। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी फिल्म पुष्पा से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको अल्लू अर्जुन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और अगर आप उनके फैन हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको अर्जुन में सबसे ज्यादा पसंद है। ओके जी, वीडियो हमने देख ली है और काफी सारी बातें हैं जी अल्लू अर्जुन के बारे में हमको जानने को मिली है। और सबसे एंड में जो उन्होंने पूछा आपको अल्लू अर्जुन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, तो देखी तो हमने कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे जो जहाँ तक अला वेकुंठ पोरामलो तो उसका ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा था। बोटा बॉमा सॉन्ग और उसमें रमोला रमोलो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो सरेनोडू के भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे अला वेकुंठ पोरामलो। उसमें एक और बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो स्टाइल इनका है ना हर मूवी में वाकई में डिफरेंट है, मूवी में चेंज है। दूसरी बात ये कि दूसरे एक्ट्रेस को लेके इनकी सोच कितनी पॉजिटिव है कि हाँ। अपने फैंस को भी कहते हैं कि मतलब उनके खिलाफ एक डिग्निटी रख के बात करो वरना आप मेरे ट्रू फैंस नहीं। फिर जब वो एक वो उनकी शादी वाली भी बात जब छिड़ी जिसमें उनको तो पहले शादी करवा नहीं रहे थे फैमिली वाले लड़की वाले जो है कि ये एक स्टार है, लेकिन जब उनको पता चला कि बहुत डाउन टू अर्थ है फिर उन्होंने वो मान गए। ये फैन फॉलोइंग की थी। और सबसे मजे की बात है अब उनका जो एक नंबर है 666 अब लोग बातें बनाना शुरू कर दी कि डेविल का है और इस तरह, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे लिए एक स्टाइल का नंबर है, मतलब लोग कुछ भी बना देते हैं। हाँ, तो ये है कि आपकी बिलीव्स पर होता है। उसके अलावा इनकी सारी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से है तो कैसे ना आते हैं, इनका इंटरेस्ट बेशक एनिमेशन में था। कि उन्होंने सर्वाइव बहुत किया, बहुत मेहनत की है। हाँ, तो मतलब नेपोटिज्म पे भी सवाल उठा जिसका आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपनी फैमिली की वजह से इंडस्ट्री में आ गया हूँ लेकिन मैंने सर्वाइव 20 साल अपने मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर किया है। और ये कितनी छोटी एज में इतना मतलब फेमस हो जाना और एक एक बंदा आपको फैन है सब कुछ। और फिर जिस तरह वो रणवीर सिंह के जो है ड्रेसिंग स्टाइल से भी बहुत इंप्रेसिव कहते हैं कि उनकी जैसी जो ड्रेसिंग कॉन्फिडेंस है जिस तरह करते हैं वैसे कोई नहीं कर सकता। हाँ, मतलब बॉलीवुड से भी इनको लोग पसंद है, शाहरुख खान के फैन है, शाहरुख खान से लेकिन मुलाकात नहीं हुई, रणवीर सिंह की इन्होंने तारीफ की ड्रेसिंग की, हालांकि रणवीर सिंह को काफ़ी इसमें उनको मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी ड्रेसिंग पर, लेकिन कहते हैं डिफरेंट है उनकी। हाँ, डिफरेंट तो है बिल्कुल। और उसके अलावा इनको कुछ फिल्म जो जीता वही सिकंदर और दिलवाले दुल्हनिया और एक और थी तो मत जो जीता जो वही बॉलीवुड में भी बहुत ऑफर्स हुई हैं लेकिन अभी तक इनके हाँ ये बात पे मुझे बड़ा वो हुआ कि वाकई में सच बात की है इन्होंने कि अभी तक मुझे कोई ऐसी स्टोरी मिली नहीं अल्लू अर्जुन कहते हैं जो मैं उधर काम कर लूँ, क्योंकि साउथ में जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं और मतलब हर मूवी जो हम देखते हैं उसका ट्रेलर वो बिल्कुल डिफरेंट है और उनको नहीं पसंद आ रही क्योंकि बॉलीवुड में ज़्यादातर साउथ मूवीज़ का रीमेक बनता है, तो भाई वो फिर अल्लू अर्जुन साउथ में ही ठीक है तो स्टाइलिश स्टार हैं इस चीज़ में तो कोई शक। और इनको बनी नेम भी है इनका, बनी इनका निक नेम, मतलब छोटी छोटी बातें इन वीडियो में हमें बताई गई है, जो चैनल है उसने काफ़ी रिसर्च किया है, सोशल चैनल का नाम और है। और एक वो जो इनका एक सबसे बड़ा फैन था जिनकी डेथ भी होगी थी। ओके, तो इनका फिर वो जो एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी इनके फैमिली से मतलब उनके फैन हैं नूर मोहम्मद जो कि मतलब फैमिली मतलब शुरू से इनके फैन रहे हैं सबके, तो वो उनसे ये मिलते थे और उनकी जब डेथ हुई तो ये वहाँ गए भी, अपनी मूवी का ट्रेलर पोस्टपोन कर दिया, उनकी हेल्प की और काफ़ी मतलब गमगीन लग रहे थे अगर वो वही वीडियो है। एक हमने सीन देखा जिसमें अपने फैन के साथ हाथ मिला रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं, गाड़ी से निकले हैं तो इतने ज़्यादा लोग उनको वेव कर रहे हैं, लाइक बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अला वेकुंठ पोरामलो इनकी अभी तक की जो है काफ़ी ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है और इनके फादर ने कभी इनको किसी चीज से रोका नहीं बचपन में भी और उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, देखिए से एक फ्रेंड्स होते हैं, क्लिप्स दिखाए उसमें बड़ा अच्छा सारा लग रहा था। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमको जानने को मिले जो मैं अल्लू अर्जुन के बारे में नहीं पता थे और इनके क्या क्या बिजनेसेस इन्होंने खोल रखे हैं। और डांस, उफ बचपन से डांस का शौक है, माइकल जैक्सन को कमाल करते हैं डांस, माइकल जैक्सन के पसंदीदा डांसर रहे हैं। तो मतलब है कि एक छोटी छोटी डिटेल्स हमें जानने को मिली है और अल्लू अर्जुन के बारे में अगर आप हमसे भी कोई सवाल पूछेगा हाँ भाई अल्लू अर्जुन को क्या उनका निकनेम है बनी हाँ भाई क्या काम करते हैं, डांस क्लब है उनके और उन्होंने गाड़ियों का काम करते हैं, तो इस तरह शादी हुई है, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे तो हमें भी अभी पता चल गया उनकी लव स्टोरी क्या थी वो भी पता। हाँ, सब कुछ हमें पता चल गया। तो थैंक यू आपका कि आपने हमें वीडियो सजेस्ट की और इसमें कुछ मिसिंग है या हमने नहीं नोट किया तो आप भी हमें बता सकते हैं।
और रिएक्शन अच्छा लगा तो आपने करना है लाइक जी। शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम अल्लू अर्जुन की और भी वीडियोस पे रिएक्शन दें या सॉन्ग्स पे रिएक्शन दें या ट्रेलर्स पे, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाएं, उस वक्त नया ब्लॉग देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स। हम लोग एक और रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।